इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के नवादा जिले से आ रही है, जहां की कोरोना के दो संदिग्ध मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक नवादा सदर अस्पताल में कोरोना वायरस के दो पीड़ित आने से सदर अस्पताल सक्रिय बन गया है। बताया जाता है कि गनौरी सिंह सिरदला थाना क्षेत्र निवासी है, जो केरला में कुक का काम करता था। वहीं दूसरा मनीष कुमार पकरी ब्रावा का निवासी बताया जा रहा है, जो सूरत में कपड़े के मिल में काम करता था। फिलहाल दोनों नवादा सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में विशेष निगरानी में रखा गया है। नवादा से कैमरामैन कुमार विश्वास के साथ रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। उसके लिए क्या सदर अस्पताल में व्यवस्था की गई और क्या उसके साथ किया जाएगा? उसको हमारे चिकित्सक जांच कर रहे हैं, उससे पूरी हिस्ट्री पूछ रहे हैं। हिस्ट्री पूछने में सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जानना कि वो कैसे समझता है कि हमको कोरोना, ये क्या कहते हैं, COVID-19 उसको हो सकता है। उसी समय से टेस्ट करेंगे, अगर लगेगा कि नहीं उसका सोचना सही है, अब जैसे कि लग रहा है कि चिकित्सक लोग बता रहे हैं कि उसको हो सकता है, तो हम लोग उसको पावापुरी भीम्स भेज रहे हैं टेस्ट के लिए। वहाँ के लोग सैंपल टेस्ट करेंगे और भेजेंगे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कुछ पता है सर? वो तो नाम तो है, हमारे पास अभी लिस्ट नहीं है। अभी उसे क्या आइसोलेशन में रखा गया? अभी आइसोलेशन में उसका जाँच हो रहा है, जाँच भी उसको नहीं ओपनली करेंगे। कितने लोग हैं सर? दो ही आदमी हैं, दो आदमी आए हैं सर, कंप्लेन लेकर केरल से, एक सूरत से आए हैं। सर ये अपना बचाओ।